हेलो एंड वेलकम अगेन व्यूअर्स। इस बार का सवाल आपने मुझे बहुत टेढ़ा किया है और आपने मुझसे ये पूछा है कि हाइड्रोसिल में कितना खर्चा आता है। यार ऐसे सवाल थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं इनका आंसर देने में, बिकॉज मैं क्या बताऊं, लेकिन इसकी जो बारीकी है या फिर इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि इसका प्राइस बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो सेंटर्स है, जो डॉक्टर है, वो तो अपने हिसाब से इस प्राइस को बताएगा। ठीक है, वो उसका प्रोफेशन है, वो अपने हिसाब से प्राइस उसने सेट किए हुए हैं, लेकिन आपके अंदर कितना गट्स है, आपके अंदर कितनी स्किल्स है उस प्राइस को कम करने की, ये डिपेंड आप पे करती है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कुछ लोगों को बताया था कि हाँ ये 8 से 10 हज़ार के बीच में है, हाँ ये एक ये रेंज बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने इसको 8 हज़ार से कम में भी कराया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ 8 हज़ार से कम, तो ऐसा नहीं, यूनिवर्सल ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप 7 हज़ार या 8 हज़ार या 9 हज़ार या 10 हज़ार के आसपास उसको मान के चलते हैं, तो एक फिगर मान लीजिए कि 7 हज़ार के आसपास आपका ऑपरेशन हो सकता है, 8 हज़ार के भी आसपास हो सकता है, 9 हज़ार के भी आसपास हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं। तो जब आप डॉक्टर से मिलने जाएं, सर्जन से बात करें, तो ये स्किल्स को ज़रा इस्तेमाल ज़रूर करें और डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका पैसा जरूर कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका है मुझसे कि इसका प्राइस क्या है और कितने में हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होगा, तो टोटली अप टू यू। जो उनका प्राइस है वो तो अलग है ही है, लेकिन आप कितने पर उसको लेके आ जाते हो नीचे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो इसलिए अब आप जब नेक्स्ट टाइम जाएं डॉक्टर के पास, तो बिल्कुल माइंड मेकअप करके जाना कि आपको कितने पैसे कम करने हैं। तो आई थिंक सो कि ये जवाब भी मिल गया होगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने और भी पहले बनाए हैं कि आपको हाइड्रोसिल में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये कितना समय लगता है इसको ठीक होने में, साथ ही साथ हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम आगे ना हो तो किस टाइप के हमें अंडरवेयर और किस तरीके से उनको पहनना चाहिए, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इससे भी रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपके काम आएगी। एंड उससे रिलेटेड भी अगर आपके फिर कोई और अदर क्वारीज रहती है, क्वेश्चंस रहते हैं, तो फिर मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डेफिनेटली जो आप सोचते हैं दिमाग में वो आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो अगली बार नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे जल्दी ही, और टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।